बेटी को किया व्हाट्सएप पर इमरान ने एसएमएस। पिता ने पूछा नंबर कहां से आया तो कर दी मारपीट। शिवपुरी से जिला अस्पताल में बताना होगा कि जिला अस्पताल में भर्ती युवक ने बताया कि उसके बेटी को व्हाट्सएप पर मैसेज आया था, जिसके बाद बेटी ने हमें बताया और हमने युवक से पूछा कि उसके पास नंबर कहाँ से आया तो हमारे साथ उसने मारपीट कर दी। जानकारी के अनुसार बाबूलाल रावत पिता दयाराम रावत उम्र 50 वर्ष निवासी गयालिया थाना सीहोर ने बताया कि उनकी बेटी के व्हाट्सएप पर हाय का मैसेज आया, जिसका जिक्र बेटी ने पिता से किया। जब पिता को युवक के बारे में बेटी ने बताया तो पिता इमरान के पास पहुंचा और उससे बातचीत की और पूछा कि नंबर कहां से आया तो इमरान ने अपने साथी के साथ मिलकर मारपीट कर दी। दामाद जितेंद्र रावत पिता रघुनाथ सिंह उम्र 3 साल काली पहाड़ी भी घायल हो गया। बताना होगा कि बेटी मगरोनी में रहती है और पढ़ाई करती है और कंप्यूटर भी सीख रही है। क्या नाम है आपका? बाबूलाल रावत। कहाँ रहते हो? ग्वालिया। ग्वालिया थाना कौन सा है? सीहोर। क्या हो गया मारपीट, मामला क्या था? मारपीट में क्या हो रहा था, हमारी बच्ची थी मगरोनी पढ़ती थी, उसने नंबर लगाया। किसने? मुसलमान के मूर्ति ने। तो उसने मोड़ी में बोला नंबर गया इसका यहाँ भेजी, उसने व्हाट्सएप जोड़ लिया। मोड़ी ने बोली, उसने काट दिया, ताकि बाद मोड़ी हमसे बोली कि ये नंबर इनके लिए पूछो नंबर कहाँ से आया। नंबर पूछा साहब, सुभान शंकर बोला मुझे नहीं है। मैंने पूछा साहब नंबर कहाँ से आया था, मुझे नहीं है पता, मेरा कुआ में गिर गया, मुझे पता नहीं है। हम मतलब कहीं सुनी से गाली वाली दे रहा। कहाँ का रहने वाला है मुसलमान? ग्वालियर का। क्या नाम है? इमरान खान। इमरान। और कौन था इसके साथ में? रावत है। रावत है। कौन कौन? मंगरोनी में आपकी लड़की क्या पढ़ाई वगैरह करती है? कौन सी कक्षा में? 12वीं में थी। कंप्यूटर सीख रही। कंप्यूटर सीख रही। कब से रह रही है वहाँ पे? 2 साल। 2 साल से। तो नंबर किसने दिया था फिर उसका? सब पता ही नहीं किसने दिया। तो आपने उससे पूछा इसलिए मारपीट की? तो आपने सीहोर थाने में रिपोर्ट दी इसकी? कब की घटना है?